22 जनवरी साल 1911 मोहम्मद महावद खान जी तृतीय रसूल खान जी गुजरात के जूनागढ़ रियासत की गद्दी पर बैठे। वो नवाब जिसने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की भरकस कोशिश की पर मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। पर सिर्फ इस बात की वजह से इन्हें नहीं जाना जाता बल्कि ये नवाब सबसे ज़्यादा मशहूर हैं अपनी मोहब्बत के लिए। और उससे भी बड़ी बात, ये मोहब्बत इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के लिए है। वो भी एक दो कुत्ते नहीं बल्कि इनके पास 800 से ज़्यादा कुत्ते थे। 15 अगस्त साल 1947 भारत आज़ाद, लोग खुशी से झूम उठे लेकिन सरकार एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। ये चुनौती थी देश की छोटी बड़ी कुल 565 रियासतों को भारत में विलय कराने की। ये जिम्मा तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर था। इतिहासकार रामचंद गुहा के एक लेख के मुताबिक सरदार पटेल को तेज तर्रार और कड़क अफसर वीपी मेनन का साथ मिला जिसके बाद ज्यादातर रियासतों ने थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद भारत का हिस्सा बनने की बात स्वीकार ली। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद सबसे ज्यादा धनवान रियासत थी और इसके बाद नंबर आता था जूनागढ़ का। जूनागढ़ रियासत जहाँ की गद्दी पर बैठे थे 2 अगस्त साल 1898 को जन्मे नवाब मोहम्मद महावद खान जी तृतीय रसूल खान जी, जिनको साल 1926 में नाइट की उपाधि भी मिली थी। वो नवाब जिसने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की भरकस कोशिश की। इनके गुजरात के शेरों और गायों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी जाती है और इसके साथ ही ये अपने असाधारण रहन सहन और कुत्तों के प्रति बेहद अनोखे प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। इतिहासकार परिमल रूपाड़ी के एक लेख के मुताबिक नवाब महावद खान के पास करीब 800 कुत्ते थे जिनको पालने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी जैसे कि ये इंसान हो। उस वक्त नवाब साहब अपने हर कुत्ते पर मौजूदा वक्त के हिसाब से महीने में करीब 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करते थे। कुत्तों की देखरेख के लिए नौकर चाकर लगाए गए थे, साथ ही उनके लिए अलग अलग कमरे, बिजली और टेलीफोन की भी व्यवस्था की गई थी। इतना ही नहीं, उन कुत्तों की शादी से लेकर इनके मरने तक रुपया पानी की तरह बहाया जाता था। किसी कुत्ते की मौत होने पर उसे तमाम रस्म और रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफनाया जाता, इनकी शाही शव यात्रा भी निकाली जाती। एक दौर वो आया जब नवाब साहब इन कुत्तों से अनोखे प्रेम के लिए दुनिया भर में मशहूर हुए। हुआ यूं कि भले ही नवाब साहब के पास 800 कुत्ते थे पर वो सबसे ज़्यादा प्यार रोशना नाम की एक कुतिया से करते थे। इतिहासकार डोनमिक लेपी और लैरी कॉलिन्स ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, नवाब महावद खान ने रोशना को अपनी बेटी की तरह माना जिसकी शादी अपने दूसरे कुत्ते बॉबी से बड़ी धूमधाम से की, जिस तरह से कोई अमीर पिता अपनी बेटी की शादी करता। रोशना को सोने के हार, ब्रेसलेट और महंगे कपड़े पहनाए गए। इसके साथ ही 250 कुत्तों ने मिलिट्री बैंड के साथ गार्ड ऑफ आनर से रेलवे स्टेशन पर रोशना और बॉबी का स्वागत किया। रोशना और बॉबी की शादी इतनी खास थी कि शादी में तमाम राजा महाराजाओं के साथ वायस राय लॉर्ड इरविन को भी निमंत्रण भेजा गया था। वायस राय तो नहीं आए पर करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मेहमान इस शादी का हिस्सा बने। शादी में मौजूदा वक्त के हिसाब से करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। भारत को आज़ादी मिली, राजा रजवाड़ों और नवाबों का दौर ख़त्म हो रहा था। अपनी बेगम भोपाल बेगम के कहने पर नवाब महावद खान ने जूनागढ़ रियासत के पाकिस्तान से विलय करने की घोषणा कर दी। इसके बाद जूनागढ़ की जनता नवाब के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। जूनागढ़ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, मुसलमान 15% और हिंदू 85% थे। इस वजह से जनता पाकिस्तान नहीं भारत में मिलना चाहती थी। यहाँ की जनता के समर्थन में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना को जूनागढ़ भेजा। ये खबर मिलते ही नवाब महावद रसूल खान ने अपना पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। उधर 20 फरवरी साल 1948 को जनमत संग्रह के लिए वोटिंग हुई जिसमें जनता ने भारत में रहने के पक्ष में वोट डाले। 25 फरवरी साल 1948 जूनागढ़ में 37 साल तक राज करने के बाद नवाब महावद खान ने मतदान के नतीजों का भी इंतज़ार नहीं किया और उससे पहले ही पाकिस्तान के लिए निकल गए। इतिहासकार परिमल
रूपाणी के एक लेख के मुताबिक नवाब महावत खान कराची के लिए जब निकले तो इसके लिए एक प्लेन में बैठे। तभी उन्हें पता चला कि उनकी एक बेगम अपनी बच्ची को लेने महल में गई है और अभी तक लौटी नहीं। तब उसने बेगम की जगह अपने चार कुत्तों को प्लेन में बैठाया और ये कहते हुए उड़ गए कि बेगम तो पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी लेकिन वहाँ ये कुत्ते नहीं मिलेंगे। 7 नवंबर साल 1959 61 साल की उम्र में पाकिस्तान के कराची में नवाब महावत खान का निधन हो गया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।